अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी। लंच और डिनर में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाए तो उनके लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और किसी भी रेस्टोरेंट से आपको कम नहीं लगेगी। इसको बनाने के लिए हाफ कप के करीब मैंने कुकिंग कर ली और उसके अंदर सबसे पहले लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर हम एक खाने का चम्मच डालेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे चिकन भी ऐड कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो चिकन की मिकदार इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैंने आधा किलो के करीब चिकन लिया। आधा किलो चिकन के साथ मैं इस रेसिपी को रेडी करूंगी। इसके अंदर किसी भी प्याज वगैरह को छीलने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा मसाले इसके अंदर डालेंगे। बहुत कम टाइम के में आप बहुत ही मजेदार सी रेसिपी जो है आप घर में रेडी कर सकते हो। इसके अच्छे से हमने करनी है बुनाई, कि इसका जो कलर है ना वो गोल्डन हो जाना चाहिए। इतनी देर आपने इसकी बुनाई करनी है कि इसके अंदर जो एक महसूस स्मेल होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदर दरमियाने साइज के टमाटर। 2 अदर दरमियाने साइज के टमाटर लेंगे, यहाँ पे डालेंगे। मजीद हम इसके अंदर दही डालेंगे। हाफ कप के करीब मैंने दही भी डाला था। साथ में सब्ज मिर्चें मैं डाल रही हूँ, 4 से 5 सब्ज मिर्चें काफ़ी होंगी। और इसके बाद एक छोटी सी प्याली मैंने ली है दही की, आप 4 से 5 खाने के चम्मच कह सकते हैं कि मैंने दही डाला है। 4 से 5 खाने के चम्मच दही, 2 अदर दरमियाने साइज के टमाटर और 4 से 5 सब्ज मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद जैसे आपको लगे कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, चिकन की आपने 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई कर ली है, तो वहां पे उस स्टेज पे आपने ये जो टमाटर वाला पेस्ट है वो डाल दें। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर, टोटल 3 मसाले और साथ में नमक ऐड किया। अब यहाँ पे इतनी देर तक आपने इसकी बुनाई करनी है, इसको ढक्कन के साथ कवर कर देना है कि इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए, कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे, फाइनली कुछ इस तरह, और चिकन जो है टोटली फुली आपका अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हम मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने मिल्क क्रीम ऐड की है। आधा किलो मेरे पास चिकन था, उस हिसाब से 4 खाने के चम्मच मिल्क क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 4 खाने के चम्मच मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद इसके 5 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे कि इसका कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे, और फाइनली मज़ेदार अफगानी चिकन ग्रेवी आपकी तैयार हो जाती है। ट्राई करें लंच और डिनर में, अचानक से गेस्ट आ जाएं तो भी बनाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान, बहुत सादा सी रेसिपी है। और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।